सबटिका, वेलकम बैक। आज हम मेरे इस ब्लॉग से पटाया घूमने जाएंगे, थाईलैंड की एक मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस। हम कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बैंकॉक सुवर्णभूमि एयरपोर्ट इंडिगो की फ्लाइट में पहुंचे। हमारी फ्लाइट जो कि रात के टाइम पे थी। बैंकॉक पहुंचकर हमने सबसे पहले वीज़ा ऑन अराइवल की सब फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की, बट अब इंडियंस के लिए वीज़ा बिल्कुल फ्री है सुवर्णभूमि एयरपोर्ट, जो देखने में बहुत सुंदर है। हम करीबन सुबह 4 AM एयरपोर्ट से एक कैब बुक करके पटाया के तरफ निकल पड़े। बाय कार 2 आवर्स लगते हैं एंड 1000 baht आपको टैक्सी का फेयर पड़ेगा। रोड्स बहुत अच्छे हैं एंड ड्राइवर्स आर वेरी सोबर। हम पटाया में 4 सीजन्स होटल में थे। वन थिंग जो मैं बोलना चाहूँगी कि होटल में यहाँ पे चेक इन आफ्टर 2 PM होता है, और अगर आप पहले आ जाते हैं तो ये थोड़ा ट्रबलसम इशू हो सकता है। तो या आप बुकिंग एक दिन पहले करें या आफ्टर 2 PM एंटर करें। हम होटल में पहुंचकर उस दिन फ्रेश होकर सो गए ड्यू टू जर्नी एंड टायर्डनेस। हमने वहीं की कुछ लोकल एक फूड आइटम को खाया जो मुझे अच्छा लगा। इवनिंग को हम सबसे पहले गए वॉकिंग स्ट्रीट, मोस्ट हैपनिंग प्लेस, बट आफ्टर 8 PM एंड ये सुबह 3 AM तक रहता है। पटाया में बीच के पास होटल बुकिंग करने से सबसे ज़्यादा अच्छा है। वहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बाइक टैक्सीज भी अवेलेबल हैं, जो डिस्टेंस के अनुसार रेट लेते हैं। वॉकिंग स्ट्रीट में जाना इज फन, बट ये थोड़ा एडल्ट प्लेस है। बट हम वहाँ अपनी डॉटर को लेकर गए थे और मैंने वहाँ पे और भी बहुत सारे बच्चों को देखा। पटायाज वॉकिंग स्ट्रीट इज वर्ल्ड फेमस एंड यहाँ बहुत कुछ है, पर जो मुझे सबसे अच्छा लगा सी फूड, और जो रेस्टोरेंट के बाहर ही अवेलेबल थे। आप रेस्टोरेंट के बाहर फ्रेश सी फूड देखकर आपको जो भी पसंद है वो ऑर्डर कर सकते हैं और गर्मा गर्म रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर खा सकते हैं। वहाँ मैंने कुछ डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स भी देखे जो मैंने फर्स्ट टाइम देखे थे। इनका टेस्ट भी मुझे अच्छा लगा। पटाया वॉकिंग स्ट्रीट का सबसे फेमस वहाँ का स्ट्रीट मैजिक शो, जो शायद आप सभी ने YouTube में देखा है। मैजिक शो के बाद हमने वहाँ पे टर्किश आइसक्रीम भी इंजॉय किया। नेक्स्ट डे के लिए हम तैयार हुए और मॉर्निंग के टाइम हमने एक बाइक रेंट में लिया फॉर होल डे, जिसके लिए हमें 1000 baht एज अ सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना पड़ा। और हम पहुँचे बटाया रिप, प्लीज बिलीव इट और नॉट। हम सभी ने ये डिस्कवरी में देखा है ये शो, बट पहली बार मैंने अपने आंखों के सामने देखा। आपको यहाँ बहुत कुछ डिफरेंट चीजें मिलेंगी देखने के लिए। हर एक चीज यूनिक है। टीवी में हम ये सब देखते हैं, बट आंखों के सामने ये डिफरेंट कलेक्शंस देखना एक अलग बात है। इसके बाद हम चल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के तरफ,
लुई टुसा वैक्स म्यूजियम। यहाँ डिफरेंट हाईफाई सेलिब्रिटीज के वैक्स के स्टैचू बने हैं जो देखने में एकदम रियल लग रहे थे। हर एक स्टैचू एकदम असली लग रहा था। वैक्स म्यूजियम में हमने हर एक स्टैचू के सामने खड़े होकर थोड़ा एंजॉय किया और फिर निकल पड़े पट्टाया फ्लोटिंग मार्केट। इन पट्टाया फ्लोटिंग मार्केट गेट द फील ऑफ ए ट्रेडिशनल थाई फ्लोटिंग मार्केट। वॉचिंग वेंडर्स वेयरिंग राइस हैट्स, अ लार्ज प्लेस विद एंटरटेनमेंट, शॉपिंग एंड डाइनिंग। यू कैन एंजॉय लॉन्ग टेल बोट राइड ऑल्सो। You can enjoy authentic Thai street food here at very low prices. ये small boats जो traditional Thai food बेच रहे हैं, ये इनका price बहुत ही affordable है। Tourists यहाँ पे आते हैं और affordable prices में Thai traditional fruits का मज़ा लेते हैं। आपको यहाँ स्नैक्स के लिए डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी, सी फूड्स। हमने यहाँ पे क्रोकोडाइल मीट ट्राई किया जो खाने में हमें अच्छा ही लगा। ये फ्लोटिंग मार्केट देखने में एकदम एक बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर के तरह लग रहा था। अगर आप पटाया जाते हैं तो ये फ्लोटिंग मार्केट में जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पे एंट्री 200 रुपीज बाट है पर पर्सन। क्रंची डिलीशियस इंसेक्ट्स जो आपके स्वाद को थोड़ा डिफरेंट कर सकता है। अगर ये नहीं टेस्ट किया तो क्या टेस्ट किया। ये छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं जो फ्लोटिंग मार्केट में ही हैं और यहाँ पे ये सभी लोग ट्रेडिशनल जो कुजीन है थाईलैंड की उसको मज़े ले रहे हैं। कुछ आर्टिकल्स जो उनके अपने ट्रेडिशनल हैं यहाँ पर वो फ्लोटिंग मार्केट में बेचते हैं। दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं और इन्हें खरीदते हैं। ये है सोप फ्लावर। सोप को काट काट के फूलों के आकार में बनाया गया है जो देखने में बहुत सुंदर है। इसके बाद हम चल पड़े एलिफेंट विलेज। एलिफेंट विलेज में एलिफेंट राइड के लिए आपको पर पर्सन 600 बाट फॉर 1 आवर देना पड़ेगा। यहाँ सबसे ब्यूटीफुल जो है वो है पटाया बीच। पटाया बीच में आपको बैठने के लिए जगह है एंड लोकल लोग यहाँ पे 50 बाट में आपको बहुत अच्छा फूड मसाज देंगे। हमने वो मसाज इंजॉय किया, वहाँ के ट्रेडिशनल खाने भी खाए। नेक्स्ट डे हम चल पड़े अंडरवर्ल्ड पटाया। यहाँ पर पर्सन 450 बाट एंट्री टिकट्स लेना पड़ता है एंड यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट्स भी अवेलेबल हैं। ये अंडर वाटर वर्ल्ड इज वेरी वंडरफुल, जहाँ पूरा जो सी वर्ल्ड है आप देख सकते हैं। कलरफुल फिशेस, डिफरेंट ब्रीड्स, डिफरेंट साइजेस,
और हर एक एक्वेरियम बहुत सुंदर है। एक्वेरियम का जो सजाने का तरीका है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सी हॉर्स, यहाँ बच्चों को या कोई भी एज के लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। सारा सी वर्ल्ड आपके आंखों के सामने। यहाँ पर कुछ जगह में लिजर्ड्स भी रखे गए थे जो मुझे देखने में इतने अच्छे तो नहीं लगे, पर फिर भी हमने देखे। लास्ट हम गए अलकाइजर शो, वेरी फेमस शो ऑफ पटाया। अगर आप पटाया जाते हैं तो अलकाइजर शो जाना सबसे ज़रूरी है, मस्ट। यहाँ पर हेड 800 बाट टिकट का खर्च पड़ता है, लेकिन ये शो सबसे यूनिक है। आप आर्टिस्ट के साथ बाहर 40 बाट में फोटो भी शूट कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।